चीन ने बांग्लादेश में भूमि के कानूनों का उल्लंघन किया है, पहले ही उल्लंघन कर रहा है। चीनी कंपनियों पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में चोरी करने के आरोप भी लग चुके हैं। बांग्लादेश सरकार को हर साल करीब 11 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी अभी ये सब कुछ कर रहा है, आगे चलकर क्या कुछ करेगा चीन बांग्लादेश में, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी वजह से बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश क्या सचेत रहेगा या नहीं, और कैसे ड्रैगन के शिकंजे में एक के बाद एक इस तरह से तमाम देश फंसते जाते हैं, ये जानते हुए भी कि बाकी देशों का हाल क्या हुआ है। बांग्लादेश और महंगाई का जो चीन कनेक्शन है, आइए वो समझाते हैं। जो हम कह रहे हैं वो हम क्यों कह रहे हैं और इस पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, आइए वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश और चीन के बीच जो कनेक्शन है, महंगाई का कनेक्शन किस तरह से है। देखिए, सीपैक के बहाने दरअसल कर क्या रहा है, बांग्लादेशी खजाने खाली कर रही हैं चीनी कंपनियां। ये जो बांग्लादेश की ही एक सोर्स है लाइव न्यूज, वहां से ये जानकारी हमने हासिल की है। चीन ने बांग्लादेश में भूमि के कानूनों का उल्लंघन किया है, एक बार नहीं कई बार ये आरोप लगे हैं चीनी कंपनियों पर। चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन सड़क और पुल बना रही है दरअसल बांग्लादेश में, और इसके बहाने ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल की भी चोरी की है। सरकारी प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन मटेरियल में चोरी का आरोप लग चुका है चीनी कंपनियों पर। चीनी कंपनियां चला रही हैं फेक डॉक्यूमेंट रैकेट भी, ये सब किया जा रहा है, यानी किसी भी तरह से चीन फायदा कमाए और जहां पर वो पहुंचा है बांग्लादेश में, जैसे अभी मौजूद है, तो वहां पर वो उनको नुकसान पहुंचाए लेकिन खुद को कोई नुकसान ना हो, सिर्फ फायदा हो। फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए टैक्स चोरी का आरोप भी चीनी कंपनियों पर लग चुका है। सरकार को हर साल इसकी वजह से, बांग्लादेश की सरकार को हर साल इसकी वजह से करीब 11 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी बड़ा नुकसान हो रहा है। रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट छीनने के लिए साजिश है दरअसल, फर्जी डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट तक चीन की तरफ से बनवाए जाते हैं जिन कंपनियों को वहां काम करवा रहा है। और जो गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा फायदे का बिजनेस है, और इसी की वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। तमाम जो पश्चिम के देश हैं उन्हें बांग्लादेश की तरफ से ये गारमेंट्स भेजे जाते हैं। इसी पर बात करते हैं प्रसून शर्मा जी, चीन को हम देख रहे हैं कि कैसे एक तरफ वो ये कह रहा है कि हम मदद करेंगे आपकी, हम आपके जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो रोहिंग्या का मुद्दा हो या देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का मुद्दा हो, उसमें हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम आरोप भी चीनी कंपनियों पर लगते रहते हैं। तो ये जो दो पक्ष हैं चीन के, दो रुख जो हैं चीन के, उन्हें क्या बांग्लादेश समझ रहा है? हमें लगता है कि बिल्कुल समझ रहा है। बांग्लादेश श्रीलंका से ज़्यादा सजग और सचेत है। अगर देखिए, बांग्लादेश बैलेंसिंग आउट एक्ट भी कर रहा है। बांग्लादेश और इंडिया की जो एक ऑयल पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, जिससे कि जो जो ये जो ऑयल क्राइसिस का है क्राइसिस हो रहा है बांग्लादेश में, उसको भारत तुरंत एड्रेस कर सकता है। और इससे दूसरा, उन्होंने जो IMF या वर्ल्ड बैंक में बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर से ऑलरेडी लेटर लिखा है फॉर वेरियस लोन्स, पहले 4.5 बिलियन का और 1 बिलियन का, इसको कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका को इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में लाना चाहिए ताकि बांग्लादेश को उसको जोड़ा जा सके और एक रिलायबल सोर्स ऑफ बेल आउट पैकेज इंडो पैसिफिक या क्वाड को बांग्लादेश को ऑफर करना चाहिए, ताकि इसमें भारत और अमेरिका और जो मित्र देश हैं उनका इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ सके और बांग्लादेश को काउंटर कर सके, वो चीन के इन्फ्लुएंस को काउंटर भी कर पाएगा ऐसा अगर किया जाता है तो, जो करने की बहुत जरूरत है क्योंकि ये ठीक हमारे पड़ोस में हो रहा है ये सब कुछ, हमारे चारों तरफ इस तरह से चीन की तरफ से साजिशें रची जाती है। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई भी जुड़ गए हैं। संजय सोई सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी चीन की दरअसल जो महत्वाकांक्षाएं हैं इस पूरे इलाके को लेकर, हिंद प्रशांत महासागर के इलाके को लेकर, हमने देखा कैसे वो श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, इन देशों पर अपनी निर्भरता बढ़ाना चाहता है, ये देश निर्भर हो चीन पर ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो अपनी बाकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। वो महत्वाकांक्षाएं क्या क्या हैं और बांग्लादेश के जरिए क्या हासिल करना चाहता है दरअसल चीन? देखिए सुमेरा जी, के एक तो देखा जाए, जैसे बाकी स्पीकर पहले बहुत अच्छे बयान दिए सबने, ये चीज मैं कहना चाहूंगा, चीन लगातार भारत को भी चारों तरफ से घेरने के इरादे से काम करता जा रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो, अभी बांग्लादेश हो, और पहले मालदीव में भी उसने काफी अपना प्रभाव किया था। लेकिन भारत जिस प्रकार से काम कर रहा है, भारत ने भी देखिए, बांग्लादेश के भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध है, मालदीव में भारत ने उस समस्या को खत्म कर दिया। तो अभी चीन कोशिश कर रहा है कि आज जब बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस आई है तो
तो चीन चेकबुक लेकर घूम रहा है कि आप लीजिए मेरे से उधार लीजिए, बाद में दे पाए नहीं दे पाए लेकिन आज मेरे से उधार ले लीजिए, क्योंकि चीन फायदा उठा रहा है। सब देश समझते हैं कि चीन की कंडीशन बड़ी मुश्किल है, उनके ब्याज की दर काफी ज्यादा है, वो कम समय के लिए उधार देते हैं और कई बार ये हालात हो जाती है जैसे श्रीलंका या बाकी देशों में, कम से कम 42 देशों में ऐसे कि जहां पर 10% से ज्यादा जीडीपी तक चला गया है। ये, लेकिन ये बड़ी बात आपके सर, जो अहम बात आप ये कह रहे हैं कि चीन की ये जो साजिश है उसका एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि वो भारत के चारों तरफ अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाए, अपने प्रभाव को बढ़ाए, वो भी एक अहम हिस्सा है इसका। लेकिन शरद कोहली जी, एक और अहम बात जो कह रहे हैं संजय सोई जी, वो ये कि चीन की शर्तें इतनी मुश्किल होने के बावजूद कैसे ये तमाम देश फंस जाते हैं फिर चीन के इस जाल में, क्योंकि वो सबसे पहले क्या पहुंच जाता है अपनी चेकबुक लेके, आप मुझसे ले लीजिए पैसा। नहीं, ऐसा नहीं है सुबेरा के सबसे पहले पहुंच जाता है। असल में IMF और वर्ल्ड बैंक की लोन देने की जो शर्तें होती हैं, वो शर्तों के हिसाब से आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टैक्स में रिफॉर्म्स, बहुत सारी शर्तें होती है। चीन उसको कहता है, ये ऐसा ही है जैसे एक व्यक्ति बैंक से लोन लेने जाता है, तो बैंक से लोन लेने के एक वो साहूकार के पास जाता है, साहूकार कुछ नहीं कर, कहता है भैया मैं आपको दे देता हूं, पर वो देश अपने आप को IMF और वर्ल्ड बैंक की कंडीशंस पर खरा नहीं उतरते देख पाते, तब चीन उस बात का यहां पर आके फायदा उठाता है। पर बांग्लादेश को इस समय देखना ये चाहिए कि भारत का अगर एग्जांपल लें तो जिन चीनी कंपनियों पर अभी सुमेरा हमने देखा, जो चीन की मोबाइल कंपनीज हैं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं, Xiaomi है, Vivo है, Oppo है, ये सारी कंपनीज अनएथिकल काम करते पकड़ी गई है, कोई टैक्स की चोरी, कोई कस्टम की चोरी, कोई फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में वायलेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट टैक्स का वायलेशन। वापस मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अहम बात आप कह रहे हैं कि ऐसी तमाम कंपनियां जो चीनी कंपनियां हैं, बड़े बड़े नाम है उनके, लेकिन वो इस तरह के काम करती पकड़ी गई हैं जो गैर कानूनी है, टैक्स चोरी है, टैक्स इवेजन है, या फिर वो इस तरह के काम कर रही हैं जो कि लीगली जायज नहीं है किसी भी देश में रहकर, और ये बांग्लादेश में भी वो कर रहे हैं।